हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार कुलंबर, आपका अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमने ये वॉश बेसन का जो है डाइवर्टर लगाया है, जो कि अभी आपको दिखाया था हमने अगली वीडियो में। देखिए आप जो है, ये हमारा डाइवर्टर है और ये इस समय एकदम लेवल में है। ज़रा सा भी कोई 19-20 का वो नहीं है, इसमें ऊपर नीचे का एकदम वाटर लेवल लगा हुआ है ये। और देखिए, पहले हमारे यहाँ पे वॉश बेसिन का पॉइंट बना था, तो बाद में कहते हैं कि मालिक आप जो है यहाँ पे हमें वॉश बेसिन का डाइवर्टर दीजिए। तो हमने देखिए काट के डाइवर्टर का फिटिंग किए हैं। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। और ये हमारा फर्स्ट एक नंबर बाथरूम है, जिसमें कि आपको दिखाया था मैंने, ये डाइवर्टर लगा हुआ है इसमें, ये देखिए आप इसमें। और यहाँ पे हमारा पुश वाल है, देखिए यहाँ पे सीट का जो पॉइंट बनाया था हमने, आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे फिटिंग होती है। अब हम इसको मसाला मारेंगे, इसलिए आपको हम पहले दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। इसमें 2 MT लगी है, 1.25 MT लगी हुई है दोस्तों। चैनल को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ये लगे कि मेरे भाई लोग देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले किचन का ऊपर पॉइंट दिया गया था, दिया क्या सब दोस्तों, सॉरी मैंने ही दिया था। यहाँ पे मालिक बोले कि हमें नॉर्मल टूटियाँ चाहिए, फिर बाद में कहते हैं कि हम फैंसी टूटियाँ लगाएंगे सिंक के ऊपर। फिर हमको जो है ये काट के यहाँ पे नीचे पॉइंट बनाना पड़ा 18 इंची पे तरफ से। ये देखिए जो है, ये ताज़े पानी का है और ये हमारा यहाँ पे देखिए आप, 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का है। मगर ये दोस्तों हमारा यहाँ पे फिल्टर लगेगा, एको गार्ड, तो ये उसका लाइन दिया। यहाँ पे टूटी आप देख रहे होंगे, यहाँ टूटी दिया हूँ। यहाँ से देखिए, ये बाहर से लाइन आई हुई है ताज़े पानी की, तो वहाँ जाएगी इसके। यहाँ पे अभी मैं 3 इंची की लाइन देखिए आप 90 लगाया हूँ। पहले पीछे हमारी CI की फिटिंग हुई थी, तो अभी क्या है दोस्तों कि हमने जो इसको PVC का बनाया हूँ। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों। कोई अगर भूल चूक हो तो माफ़ करना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों। क्योंकि वीडियो में थोड़ा मैं नया हूँ, थोड़ा बोलने में भी मुझसे गलती हो जाती है दोस्तों, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद आपका दोस्तों।